हेलो दोस्तों, सुबह उठना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये तो हम सभी जानते हैं। सुबह उठने से और सुबह उठकर कुछ खास चीज़ें करने से हम पूरे दिन के लिए तैयार हो सकते हैं। सो इस वीडियो में हम हल एलरॉय की लिखी एक बहुत ही अमेजिंग बुक के बारे में जानेंगे कि कैसे हल, जो कि करीब 6 सेकेंड के लिए मर गए थे, और यहाँ तक कि उनको डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया था कि वो अब लाइफ में अपने कभी भी चल फिर नहीं पाएंगे, उसके बाद भी उन्होंने कुछ मॉर्निंग हैबिट्स की वजह से वो आज एक बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ कोच भी हैं। 3 दिसंबर 1999, हल एलरॉय 20 साल के थे और उस छोटी सी उम्र में उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो कि हम यूजुअली हासिल करने के सपने देखते हैं। वो अपने कंपनी में वन ऑफ द टॉप सेल्समैन थे, उनकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही थी, उनके पास कुछ बहुत ही अच्छे दोस्त थे। पर अचानक से एक दिन जब वो अपने फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट से निकलकर कहीं स्पीच देने जा रहे थे और वो स्पीच उनके लाइफ की सबसे बेस्ट स्पीच होने वाली थी, तभी एक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली ट्रक उनके कार को टक्कर मार देती है, जिससे उनकी वहीं पे 6 सेकेंड के लिए मौत हो जाती है। उसके बाद जो भी होता है उसको हेल एक चमत्कार से कम नहीं मानते हैं। करीब 6 दिनों तक कोमा में रहने के बाद हेल की आंखें खुलती है, तो उसके बाद उनकी 11 हड्डियां टूटी होती है, उनका ब्रेन परमानेंट डैमेज होता है और उनकी गर्लफ्रेंड उनको ब्रेकअप कर चुकी होती है। और उसके बाद डॉक्टर का ये कहना होता है कि अब हेल की पूरी लाइफ व्हीलचेयर पे ही कटेगी और वो चल फिर नहीं पाएंगे। पर इन सब के बावजूद भी हेल अपना हिम्मत नहीं हारते हैं और अपने आप को बुरा भला बोलने की जगह वो खुश और ऐसा फील करने लगते हैं कि जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं है, और जल्द ही वो डॉक्टर की बात तो गलत साबित करके चलने फिरने भी लगते हैं। एक बार फिर से ठीक होने के बाद हेल दोबारा से सेल्स मार्केट में आते हैं और वो दोबारा से बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ते हैं। उसके बाद वो एक बहुत ही बड़े कीनोट स्पीकर बनते हैं और साथ ही साथ वो बहुत सारे बेस्ट सेलिंग बुक्स भी लिखते हैं। पर ये सब हेल आखिर कर पाए हैं तो इसके पीछे की जो वजह है उसे हेल बताते हैं कि मेरी मॉर्निंग में करने वाले कुछ हैबिट्स की वजह से मैं आज इतना कुछ अचीव कर पाया हूँ। और आई एम 100% श्योर कि अगर आप भी इन हैबिट को स्टार्ट करें तो आप किसी भी फील्ड में अपार सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर ने मॉर्निंग हैबिट का एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है जिसे हम कहते हैं सेवर्स, जिसमें हर एक लेटर एक हैबिट को बताती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस स्टैंड फॉर साइलेंस। साइलेंस का मतलब है मेडिटेशन से। आमतौर पर मोस्टली लोग सुबह उठते ही फ़ोन, लैपटॉप एट्सेट्रा स्ट्रेस वाले काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा दिन खराब जाता है। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हमें सो के उठते ही सबसे पहले साइलेंस करना चाहिए, जिसमें अगर आप चाहे तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर आप प्रेयर भी कर सकते हैं। प्रेयर के दौरान आपको अपने अच्छे चीज़ों के लिए भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेडिटेशन आपके लिए सबसे बेहतर साबित हो सकता है। मेडिटेशन करने के लिए आप किसी भी शांत जगह पर बैठकर कुछ देर के लिए अपने ब्रीथिंग पे ध्यान दे सकते हैं, और ये करते वक्त अगर आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है तो वो बहुत स्वाभाविक है, उसे आने दो। और जैसे ही आप अपने इस एक छोटी सी हैबिट को डेली बेसिस पे करने लगेंगे तो आपको खुद में बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आ जाएगा। सेकेंड लेटर है ए। ए स्टैंड फॉर अफर्मेशन। आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, ये एक वर्ड मोहम्मद अली सोते बैठते हर वक्त बोलते थे, और ये वर्ड अली के माइंड में इतना स्ट्रांगली बैठ गई थी कि उनका बर्निंग डिजायर बन गया था और वो दुनिया के महान लेजेंडरी बन गए थे। अफर्मेशन में हम अपने गोल या अपने किसी पॉजिटिव एटीट्यूड को बार बार खुद से रिपीट कर सकते हैं, जिससे वो चीज़ें हमारी माइंड सच मानने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90% स्कोर करें तो आपको वो प्रेजेंट में फील करना होगा, जैसे कि आई एम पास विथ 90% ऑफ मार्क। और ऐसा होने पर वो सारी अच्छी चीज़ें जो होंगी उसको भी आपको फील करना होगा। थर्ड सेंटेंस है वी। वी स्टैंड फॉर विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने ड्रीम लाइफ को रियल में इमेजिन करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको अपनी आंखें बंद करके ये फील करना है कि आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके हैं और आप वो सारी चीज़ें जी रहे हैं जो आप एक बिजनेसमैन बनने के बाद करेंगे। विजुअलाइजेशन का पावर बहुत स्ट्रांग होता है। आप किसी भी काम को करने से पहले एक बार उसको विजुअलाइज कर लें कि वो काम आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। इससे आपको एक फीलिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस मिलेगी, जिससे अगर आप वो काम करने जाएंगे तो वो करने में आपको बहुत आसानी होगी। फोर्थ है ई। ई स्टैंड फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो हम सभी जानते हैं।
कुछ देर की एक्सरसाइज से हमारी बॉडी का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, आपका हार्ट रेट भी बढ़ जाता है और आपके लंग्स में ऑक्सीजन बढ़ जाता है। कुछ देर की एक्सरसाइज से आप मेंटली और फिजिकली दोनों ही स्ट्रांग हो सकते हैं। ऑथर बोलते हैं कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जिम जाकर एक्सरसाइज करें, तो आप घर पे ही कुछ देर जंपिंग जैक्स कर सकते हैं या रोप जंपिंग कर सकते हैं या आप कुछ पुशअप्स भी कर सकते हैं। आर फॉर रीडिंग, रीडिंग इज द फास्टेस्ट वे टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। रीडिंग का मतलब यहाँ न्यूज़पेपर या किसी नॉवेल से नहीं है, ऑथर यहाँ सेल्फ हेल्प बुक की बात कर रहे हैं। आपको अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करना है उस पर आपको बहुत सारे बुक मिल जाएंगे और उस बुक्स को पढ़ के आप अपने गोल को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। आप डेली एटलीस्ट 5 मिनट की रीडिंग भी करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत इनफ होगा। मेरे लाइफ में भी बुक से बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आखिरी है एस, एस स्टैंड फॉर स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग का मतलब यहाँ जर्नलिंग से है। जर्नलिंग में आप अपने पूरे दिन का टोडो बना सकते हैं, अपने आइडियाज़ और इमोशन को लिख सकते हैं और आपके लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हो सकती है उसको भी आप जर्नलिंग के रूप में लिख सकते हैं और इसके लिए आप भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं। सो ये थी वो 6 मॉर्निंग के हैबिट जिसको अगर आप डेली सुबह 1 घंटे करें तो आपकी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारा हैप्पीनेस आ जाएगा। मैंने भी पर्सनली इस हैबिट को फॉलो करके बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया है। और अगर आपके पास इन हैबिट्स को फॉलो करने के लिए 1 घंटे नहीं है तो आप इसको 1-1 मिनट करके 6 मिनट में भी कंप्लीट कर सकते हैं, पर ये डेली करना है आपको। एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें और ऐसी ही बहुत सारी वीडियो को अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मुझे ये कमेंट करके बताएं कि आपका इन 6 हैबिट में से सबसे बेस्ट हैबिट कौन सा।